इस तरह के सैकड़ों फूल आपकी कैनाप गुड़हल में खिलने लगेंगे। यह वीडियो पूरी ज़रूर देखें। हेलो गाइस, गार्डनिंग इज माई पैशन चंगड़ में आपका स्वागत है। ये है कैनाप हिबिस्कस, इसको जंगली गुड़हल भी कहते हैं। इसका फूल बहुत ही सुंदर होता है और ये पौधा कटिंग से भी बहुत आसानी से लगाया जाता है और ये फूल खिलता है। इसके नीचे जो बीज निकलते हैं उससे भी ये पौधा बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आप के यहाँ लगा हुआ है, फूल नहीं दे रहा है, तो सबसे अच्छा काम आप ये करें, इसमें अच्छे से गुड़ाई करें चारों तरफ, इसमें गड्ढा बनाएं और इसमें गोबर की जो सड़ी हुई खाद होती है 1 से 2 साल, वह खाद आप इसमें अच्छे से डाल के और अच्छे से मिक्स हो जाए ऐसे गुड़ाई करें और ऊपर से आप पानी लगा दें, तो आपका कैनाप गुड़हल बहुत सारे फूलों से भर जाएगा। देखते ही देखते उसमें फूल आने लगेंगे। गोबर की खाद से सारे पोषक तत्व कैनाप गुड़हल को मिल जाते हैं, जिससे कि वो भरपूर मात्रा में फूल देने लगता है। और सबसे ज़रूरी बात है, कैनाप गुड़हल को आप जहाँ भी लगाओ, जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं, तो उसको प्रॉपर धूप में ही लगाना चाहिए। धूप में पौधा रहेगा जब भी फूल वो बहुत सुंदर अच्छे अच्छे देता रहेगा। ये खुली धूप का पौधा है, ये सितंबर के लाइट सप्ताह से फूल शुरू कर देता है देना और ये पूरी सर्दी भर फूल फिर देता ही रहता है और बहुत सुंदर सुंदर इसमें कलर आते हैं। और इसकी 8 से 10 दिन में एक बार पौधे की गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने से पौधे में ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाता है और मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, पानी नीचे तक जड़ों तक अच्छे से पहुंच जाता है। तो इसकी 8 से 10 दिन में गुड़ाई एक बार बहुत ज़रूरी होती है करना। ये गमले में और ज़मीन में दोनों जगह आप कहीं भी लगा सकते हो, पर आपको ध्यान रखना है, ज़मीन में या गमले में दोनों जगह लगाते समय आप इसका धूप में ही लगाएं, गमला भी धूप में ही रखें, और ज़मीन में लगाना चाहते हो तो ज़मीन धूप आती हो वहाँ पर इस पौधे को लगाएं। तो ये पौधा बहुत अच्छे से फूल देगा और ढेरों कलियों से धीरे धीरे भर जाएगा। और आप इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालें, आवश्यकता अनुसार ही पानी डालें, पौधा आपका सैकड़ों फूलों से भर जाएगा, फूल ही फूल देता रहेगा।